ऐसे अनगिनत सर्विस है सीएसए में जहां पर अपने कस्टमर को प्रोवाइड करके आप अच्छा खासा महीने में कमीशन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बढ़िया और सबसे अर्निंग देने वाला सर्विसेज कौन सा है और आपको कैसे पता चलेगा? सो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कौन सा वो 10 सर्विस है जो कि 2022 में आपको ज़्यादा पैसा कमाने का मौका दे सकता है और 2022 में ही आप ये 10 सर्विस का ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे तो आप बहुत सारा पैसा कमीशन के तौर पर कमा सकते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, चलिए इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2022 में कौन सा वो सर्विस है जो कि आपको सबसे ज़्यादा कमाई करेगा? सबसे पहला नंबर पे आता है सीएससी एकेडमी। तो वो सर्विस का नाम है सीएससी एकेडमी। मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ, सीएससी एकेडमी एक ऐसा सर्विस है, अगर आप इसे सीएससी की पोर्टल के जरिए भी जाना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर क्लिक करके सीएससी एकेडमी सर्च करना होगा तो आपके सामने आ जाएगा सीएससी एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सीएससी एकेडमी एक ऐसा सर्विस है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा कमाई देता है। इस सर्विस के थ्रू आप किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी कस्टमर का आप कोई भी कोर्स को कंप्लीट करवा सकते हो। अगर आप यहाँ पर किसी का भी एनरोलमेंट करोगे तो आपको यहाँ पर एनरोलमेंट पैसा मिलता है, जैसे कि 350 से लेकर 400 रुपये तक का आपको यहाँ पर कमीशन मिल जाता है। ये टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है लेकिन ये लगभग इतना ही मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पर अपने वॉलेट से थोड़ा सा पैसा, यानी कि 100 रुपीज़ या फिर कुछ आपको समथिंग वॉलेट से माइनस होगा। आप कह लीजिए कि आपको कुल मिला के यहाँ पर 200 से लेकर 250 रुपीज़ तक का आपको अप्रोक्सीमेटली ईयरनिंग हो जाता है बस एक स्टूडेंट का। अगर आप एक दिन में दो या फिर तीन लोगों का करते हैं तो आपको 400-500 रुपया ऐसे ही मिल जाएगा। तो सीएससी एकेडमी एक बहुत ही बढ़िया सर्विस है, सीएससी की तरफ से ये टॉप ईयरनिंग सर्विस है। अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। चलिए बात करते हैं सेकेंड नंबर पर कौन सा वो सर्विस है जो कि आपको ज़्यादा कमाई दे सकता है। दो नंबर की जो सर्विस है उसका नाम है पीएमजी दिशा। पता ही होगा आपको पीएमजी दिशा क्या है। इसमें आप कोई भी स्टूडेंट का एनरोलमेंट कर सकते हो ट्रेनिंग सेंटर के लिए और उसे कंप्यूटर सिखा सकते हो, उसके बाद एग्ज़ाम दिलवा सकते हो। एग्ज़ाम दिलाने के बाद वो अगर पास होता है तो आपको पर स्टूडेंट आपको पैसा मिलता है, ये भी आपको चेंज होता रहता है। ये सब अमाउंट जो है ईयरनिंग फिक्स नहीं होता, तो ये सीएससी अपने हिसाब से ही चेंज करता है कितना आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर और कितना आपको पर स्टूडेंट पास करने पर मिलेगा। फिलहाल जो है आप यहाँ पर 200 से 300 रुपए तो आराम से ही कमा सकते हो पर स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पर डे में एक दो स्टूडेंट को लाते हो और टारगेट बनाते हो कि आज एक या फिर दो लोगों का मैं यहाँ पर एडमिशन करूँगा, उनको पास कराऊँगा, नेक्स्ट आपको जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है कंप्यूटर सिखाने के बाद, तो आपको पर डे का इनकम आप मान के चलिए 500 से 700 रुपया अगर आप एक या फिर दो तीन लोगों को लाते हो तो। तो ये भी सीएससी का टॉप ईयरनिंग में आता है ये सर्विस। अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद मैंने तीन नंबर पर रखा है पैन कार्ड सर्विस को। पैन कार्ड का सर्विस को मैंने इसलिए रखा क्योंकि पैन कार्ड का सर्विस एक ऐसा सर्विस है जो कि आपको काफ़ी समय से पैसा देता रहा है और देता रहेगा, क्योंकि पैन कार्ड का जो सीज़न है वो कभी आता नहीं या फिर कभी ख़त्म होता नहीं। हर दिन हर समय लोगों का 18 साल होता रहता है या फिर अभी तो माइनर का भी आप पैन कार्ड बना सकते हैं, तो जब भी वो बच्चा बड़ा होगा तो उसका तो पैन कार्ड लगेगा ही। तो आपको पैन कार्ड का जो सर्विस है इसमें आपको ज़्यादा कमाई है, अगर आप इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जहाँ पर भी आपने सीएससी सेंटर खोल रखा है उस एरिया में आप देख लीजिए कि पैन कार्ड किस किस के पास है और किस किस के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है आप घर जाके भी फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं, उनका आधार कार्ड से आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद आप उनके घर जाकर सिग्नेचर करवाइए, पैसे लाइए और पैन कार्ड अप्लाई कीजिए। कोई भी कस्टमर का अगर आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और अगर आपको करेक्शन करना है तब भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। पैन कार्ड इंडिविजुअल का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, फार्म का भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई ट्रस्ट है, कंपनी है, पार्टनरशिप का कराना चाहते हो या फिर आपका कोई एसोसिएशन है, कोई आपका बिजनेस है, तो उसके नाम पर भी आप पैन कार्ड बना सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया सर्विस है, आप इसमें भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सीएससी की तरफ से आने वाला एक बहुत ही बढ़िया सर्विस है। इसके बाद जो मैं बात कर लूँगा नेक्स्ट जो सर्विस है उसका नाम है बैंक बीसी।
आपको पता ही होगा बैंकिंग का ट्रांजैक्शन का जो आईडी है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको लेना है तो आप बैंक मित्र पोर्टल में सीएससी की तरफ से अगर आपको मिलता है तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है। हालांकि ये आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ये आईडी लेने में, क्योंकि ये आईडी सबको नहीं मिलता। अगर आपका काम करने का ढंग या फिर डीएम को पता है कि आप अच्छे अच्छे काम करते हो, अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करते हो कस्टमर को, तो वो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करेगा कि आप बैंक बीसी में अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। अगर आपको नहीं पता कि बैंक बीसी के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप उस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और जानिए कि कैसे आप बैंक बीसी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बैंक बीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी मिल जाता है। आईडी मिलने के बाद आप बैंक में जितना भी आपको सर्विस प्रोवाइड मिलता है, जैसे कि कैश विड्रॉल करना, मनी ट्रांसफर करना, कैश डिपॉजिट करना और बैलेंस इंक्वायरी करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना, ऐसे ही जो भी बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है, ठीक वैसे ही आप घर बैठे अपने दुकान से ही कस्टमर को प्रोवाइड करके अच्छा खासा महीने में कमीशन जनरेट कर सकते हो। तो बैंक बीसी भी एक बहुत ही बढ़िया सर्विस है। सीएससी के हिसाब से आप बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हो बैंक बीसी आपको मिला हुआ है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है IRCTC। आपको पता ही होगा बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, तो अगर आप IRCTC में अपना एजेंट आईडी बनाते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा मिलेगा, काफ़ी सारा कमीशन मिलेगा। IRCTC में तो कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि हमारे एरिया में तो कुछ ऐसे एजेंट हैं, अगर आप एक बंदे जाओगे और मेरे को बोलोगे कि मेरे को दिल्ली में जाना है या फिर मुंबई जाना है, तो एक बंदे का तत्काल में जितना भी पैसा आपका, मान लीजिए आपका टिकट का बनता है 400 रुपीज़, तो पर बंदे का, पर कस्टमर का 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेता है। अगर आप 10 लोग जाओगे तब भी वो 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा। तो आपको इतना नहीं लेना है, फिर भी आप कम से कम लेकर भी काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि IRCTC एज एन आईडी लेना काफ़ी ईजी हो गया है। और हाल ही में ही दिनेश त्यागी, जो कि CSE के DM हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है कि IRCTC एजेंट आईडी लेना सभी के लिए कंपलसरी है। आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ पेमेंट करना है, 1000 रुपीज़ जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है, आपको यहाँ पर वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक बार 1000 रुपीज़ पे करके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड यहाँ पर सबमिट कर लोगे तो आपको IRCTC का एजेंट आईडी मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी कस्टमर को IRCTC यानी कि ट्रेन टिकट बुक करके पैसे कमा सकते हो, कमीशन बहुत ही अच्छा मिलता है। साथ ही आप कस्टमर से भी प्रिंटआउट का जो भी चार्ज है वो ले सकते हो। तो कमीशन की बात करें तो अगर आप नॉन AC टिकट बुक करते हैं कोई भी कस्टमर का, तो आपको 20 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा, और अगर आप AC टिकट बुकिंग करेंगे तो आपको 40 रुपीज़ का कमीशन मिलता है। तो IRCTC एजेंट आईडी लेना अब बहुत ही आसान हो चुका है, तो अगर आपको लेना है ले सकते हैं और पैसे अच्छे से कमा सकते हैं। इसके बाद जो मैंने रखा हूँ इंश्योरेंस, ये भी एक बहुत ही अच्छा कमाने वाला सर्विस है CSE की तरफ से आया हुआ। तो अगर आप रैप रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए हैं तो रैप रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और रैप में आपको एग्ज़ाम पास देके कंप्लीट कर लेना होगा, ताकि इंश्योरेंस में जो भी आपको कमाई होता है रैप रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको ये काम मिलता है। अगर आपको एक बार आईडी मिल जाता है इंश्योरेंस का, तो आप कोई भी कस्टमर का व्हीकल का इंश्योरेंस आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चाहे फर्स्ट पार्टी चाहे आप थर्ड पार्टी। इसके बाद अगर आपको किसी का लाइफ इंश्योरेंस भी करना है तब भी आप यहाँ पर उनका प्रीमियम भी डिपॉजिट कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, और जो भी क्लेम वगैरह करना है आप यहाँ से डिटेल्स में जान सकते हो। तो इंश्योरेंस का भी एक बहुत ही बढ़िया सर्विस है CSE में आया हुआ। तो ये भी CSE की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया अर्निंग सर्विस है, आप इसे भी यूज करके पैसे अच्छे से कमा सकते हैं। इसके बाद का जो पैसे कमाने वाला CSE की तरफ से आने वाला जो सर्विस है उसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत स्कीम जो कि नेशनल स्कीम है, आप इसे आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हर स्टेट में लागू है और हर स्टेट में आप इसे काम कर सकते हो। तो मेन काम इसमें यही होता है कि कोई भी कस्टमर आएगा तो उसका आप एक कार्ड बना सकते हो, एक एनरोलमेंट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उनके नाम पर एक आयुष्मान कार्ड बोल के आप एक एक्टिव करवा सकते हो, उनको एक कार्ड दिलवा सकते हो, आपको यहाँ पर कमीशन भी मिलेगा और साथ ही कस्टमर भी आपको खुश होकर कुछ पैसा दे देगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया सर्विस है। आयुष्मान कार्ड अगर आप बनाते हो कोई भी कस्टमर का, तो उनके घर में, उनके फैमिली में किसी को भी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है तो एक साल में वो 5 लाख रुपये तक का उस कार्ड के जरिए खर्च कर सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट
हॉस्पिटल में विजिट करेंगे तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया सर्विस है। अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपको काफ़ी कमाई होने वाला है। इसके बाद मैंने रखा हूँ डिजीपे। आपको पता ही होगा डिजीपे क्या है, आप इसमें बैंकिंग का काम कर सकते हो। हालांकि डिजीपे जो है सीएससी में अर्निंग के मुकाबले 4 या फिर 5 नंबर पर आता है, लेकिन मैंने इसमें 8 या फिर 9 नंबर का रखने का बहुत ही बड़ा रीज़न है। ये रीज़न इसलिए है क्योंकि डिजीपे में काफ़ी आपको दिक्कत होता है। डिजीपे में अगर आप मोबाइल से करेंगे तो आपको होना ही आपका काम बिगड़ेगा ही, क्योंकि मोबाइल से करना और कंप्यूटर में करना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप मोबाइल में यूज करोगे और ATM यूज करोगे तो आपका काम तो बिगड़ेगा ही। और इसलिए मैंने इस सर्विस को पीछे रखा हूँ, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो और अगर आपको ATM यूज करना है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसके लिए मोबाइल का यूज़ करना ही है। मोबाइल का यूज़ नहीं करोगे तो आप डिजीपे का ATM यूज़ नहीं कर सकते। जो माइक्रो ATM आता है आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। मोबाइल से ही वो कनेक्ट होता है, आपका कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं होता। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता ये सर्विस। और हालांकि अभी कैश डिपॉजिट का भी सर्विस लागू कर दिया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट नहीं है। डिजीपे सिर्फ उड्डल आधार उड्डल के लिए बेस्ट है, लेकिन कमीशन की बात करें तो अच्छा मिलता है। लेकिन ज़्यादा अगर आपको ओवरलोड काम करना है, स्पीड में काम करना है, तो डिजीपे आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, डिजीपे आपके लिए अच्छा नहीं है। डिजीपे का यूज करोगे तो धीरे धीरे आपको काम करना है, धीरे धीरे ही करना है, A1 by 1। और आपका आधार कार्ड में सिर्फ उड्डल करोगे तो ही अच्छा है, और बाकी कोई काम इसमें अच्छा नहीं है। लेकिन अदर कंपनी के मुकाबले डिजीपे में आपका अच्छा कमीशन आता है, लेकिन इसमें आप ज्यादा स्पीड में काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर में अगर आपको ATM अगर लगवा देता है तो बहुत ही अच्छा सर्विस होता। इसलिए मोबाइल से कनेक्ट करना तो वहां पर आपका डिस्कनेक्ट बार बार होता है, इसलिए यहां पर इस सर्विस को लास्ट में रखा हूं। तो मेरे हिसाब से ये 8 सर्विस हुआ है, और 2 जो सर्विस है मैंने उसे डिलीट कर दिया था। हालांकि मैंने उसे लिस्ट पे रखा था, लेकिन जब मैं बाद में वो 10 सर्विस को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से रिसर्च किया, तो वो 2 सर्विस उसमें से कट हो गया। वो 2 सर्विस को मैं यहां पर ऐड नहीं कर सका, क्योंकि वो 2 सर्विस में पैसा उतना नहीं मिलता। और अभी जो है कोविन का रजिस्ट्रेशन या फिर आपको ITR फाइल करना है, ऐसे ही छोटे मोटे जो सर्विसेस है आप वहां पर करके पैसे कमा सकते हो। लेकिन मैं टॉप 10 में से 8 ही बता सका, क्योंकि ये जो 8 आपको सर्विस में बताया, ये 8 सर्विस आपके लिए बेस्ट है पैसे कमाने के लिए। तो अगर आप CSC सेंटर लेके बैठे हो तो 2022 में आप इस 8 सर्विस का फोकस बहुत ही ज़्यादा करें, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे है, जाके आप ज्वाइन कीजिए। साथ ही हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे है, आप जाके ज्वाइन कीजिए फ्री में।